सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने। प्रभु आया उजाला लेने, ज्योति तिहारी सतत जले, आया हूँ उजाला लेने। प्रभु आया उजाला लेने, चारों दिशाएं नजर नाए, चारों दिशाएं नजर नाए। इतना अंधेरा जीवन में, कितनी चमक तेरे दर्शन में। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने। प्रभु आया उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य मेरे प्रिय भाई और बहनों आप सभी को प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पास्का के काल में हैं और ये समय है जब हम प्रभु के पुनरुत्थान को याद करते हैं। कुछ दिन पहले हमने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का त्यौहार मनाया। वास्तव में हर रविवार को हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को याद करते हैं। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। संत पौलुस हमें बताते हैं कि पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो, पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। जीवन के उतार चढ़ाव में ये याद रखो कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है और पुनर्जीवित यीशु हमारे बीच में हमारे साथ रहते हैं। और इस समय हम लोग मिसा बलिदान शुरू कर रहे हैं। हम इस समय सभी महसूस करेंगे कि पुनर्जीवित यीशु इस मिसा बलिदान में हमारे साथ सहभागी हैं, हमारे साथ हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और हम प्रभु की स्तुति और आराधना में कुछ समय बिताएंगे। मेरे पीछे दोहराइए, हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे माता पिता के लिए, हमारे माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद। हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद। हमारे जीवन में, हमारे जीवन में जितने लोगों ने, जितने लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया है, हमें प्रोत्साहित किया है, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं, हम उनके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में, हमारे जीवन जितने लोगों ने, जितने लोगों ने अड़चने दी हैं, दुख दिया है, दुख दिया है, उनके लिए भी, उनके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। जीवन के सुख दुख के लिए, जीवन के सुख दुख हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। जीवन के उतार चढ़ाव के लिए, जीवन के उतार चढ़ाव हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। जीवन के हार जीत के लिए, जीवन के हार जीत हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। हर प्रकार की विपत्ति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हर तरह के रोग के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हर प्रकार की दुविधाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, लाभ हानि के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, एक एक बात के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है, जो तूने हमारे जीवन में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सबसे महान वरदान यीशु के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए पवित्र आत्मा, आइए हमारे मनों को एकाग्र कीजिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे हृदयों को सरगर्मी से भरिए, हालेलुया 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 हालेलुया। बड़े आनंद के साथ हम स्तुति का एक गीत गाएंगे और प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। सभी लोग अपना हृदय और मन प्रभु पे लगाएंगे और इस बलिदान के प्रारंभ में ही प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। एक साथ मिलके गाइए, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु
तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है, तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हम इस समय अपने आप को जांच करेंगे, हम प्रभु के सानिध्य में हैं, अपने सारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा मांगेंगे। हर बार जब हम ये मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं, प्रभु हमें इस सुनहरा मौका देता है कि हम अपने आप को प्रभु के सामने खोलें, अपने जीवन की कमजोरियों दुर्बलताओं को प्रभु के सामने रखें, ताकि प्रभु की क्षमा हमें प्राप्त हो। आइए हम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद रखे अपने सारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जिसने कहा, हे पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। हम भी प्रभु से कहें, प्रभु मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, उस पर दया कर। दया करो प्रभु, ये मेरे नाम
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। बड़े आनंद के साथ हम लोग इस समय मंगल गान गाएंगे। सब जन मिलकर गाएं ईश्वर की महिमा, मंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते धन्य तुझे कहते, तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, शाली पिता हमारे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु येसु मसीहा सुत परमेश्वर के, जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, मंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, तूने हमारी मुक्ति की और हमें अपनी संतान बना लिया है, अपने प्रिय पुत्र पुत्रियों की प्रार्थना सुन ले। जो व्यक्ति ख्रिस्त में विश्वास करते हैं उनको सच्ची स्वतंत्रता और बपौती में स्वर्ग राज्य प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और हृदय को उदार बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए कृपा और सामर्थ्य प्रदान करें। आमीन। उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुन लिया। प्रेरित चरित्र से पाठ अध्याय 6 पद संख्या 1-7 तक। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण
सात बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्टेफनुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोकोरुस, निकानोर, तिमोर, परमेनस और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथ से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथ से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। बुद्धि को तेज और हृदय को उदार बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए कृपा और सामर्थ्य प्रदान करें। आमेन। दूसरा पाठ, संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 2 वाक्य 4-9 तक। आप लोग चुना हुआ वंश और राजकीय याजक वर्ग है। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा
ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रख देता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्मग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिस पर फिसल कर वे गिर जाते हैं। वे वजन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं, यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिसे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 वाक्य 1 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, क्या मैं पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीष्ट प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर रविवार को हमें तीन पाठ सुनने को मिलते हैं, और इन तीन पाठों के द्वारा कलीसिया हमारे सामने बहुत गंभीर बातें रखती है। वास्तव में मैं सोचता हूँ हर रविवार को लंबा प्रवचन होना चाहिए, लेकिन हम संक्षेप में इन तीन पाठों पर मनन चिंतन करेंगे।
आज के पहले पाठ में हमने सुना प्रेरित चरित्र अध्याय 6 से कि विश्वासियों के बीच में पहली बार विभाजन दलबंदी आ गई, और उसका कारण क्या है? यूनानी भाषा बोलने वाले विश्वासियों ने, ईसाइयों ने शिकायत किया कि इब्रानी भाषा बोलने वाले भाई बहन हमारी विधवाओं को ख्याल नहीं करते और गल्ले के वितरण में पक्षपात करते हैं। भाषा के आधार पर वहाँ पे विभाजन आया, दलबंदी आई। आज भी सर्वत्र भाषा के आधार पर कितने झगड़े होते हैं। ये बात शिष्यों के कान तक पहुँच गई और शिष्यों ने क्या किया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बड़ी शिक्षा है, सबक है। अक्सर हमारे बीच में इस तरह की बात होती तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन लोगों को बुलाते जो वितरण कर रहे थे और पूछते किस चीज़ के द्वारा आप वितरण करते थे वो चीज़ भी लेके आओ, कितना नाप देते थे वो भी बताओ, किसने कम पाया उनको भी बुला लो, कोई साक्षी है उनको भी बुला लो। लेकिन जब शिष्यों ने सुना कि कलीसिया में विभाजन आया है तो शिष्यों ने प्रार्थना की और प्रार्थना में उनको प्रकाश मिला। क्या प्रकाश मिला? प्रकाश यह है कि ये सही नहीं है कि प्रार्थना और सुसमाचार की घोषणा का काम छोड़कर हम गल्ले के वितरण में लग जाएं, समाज सेवा में लग जाएं। यानी शिष्यों ने प्रार्थना में यह महसूस किया कि हमारे बीच में ये दलबंदी का कारण यह है कि हमने अपना मुख्य काम छोड़ दिया है और गौण काम में लग गए हैं। इसलिए शिष्यों ने निर्णय लिया कि हम ऐसा करेंगे, हम फिर प्रार्थना और सुसमाचार की घोषणा के काम में लग जाएंगे और हम पवित्र आत्मा पूर्ण और विश्वास पूर्ण 7 व्यक्तियों को चुनेंगे जो समाज सेवा का काम करेंगे। कई बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात, समस्याओं को समाधान के लिए हमें प्रभु के पास जाना है, पूछना है इस समस्या का क्या कारण है। दूसरी बात, जहाँ कहीं भी प्रभु के दिए हुए मुख्य काम को छोड़कर गौण कामों में, अन्य कामों में लोग लग जाते हैं, वहाँ पर विभाजन और अन्य प्रकार की विकृतियाँ आना जरूरी है। प्रभु का इशारा है, तुम अपना मुख्य काम करो। अगली बात, उन्होंने समाज सेवा के लिए लोगों को चुना तो किस तरह के लोगों को चुना? विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग। अक्सर लोग सोचते हैं समाज सेवा में लगे हुए लोगों को आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है, इसके ठीक विपरीत हमें शिक्षा मिलती है। आज के दूसरे पाठ में संत पेत्रुस हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन का आधार बनना चाहिए। हम विश्वासियों के जीवन का आधार यीशु मसीह है, हमारे कोने का पत्थर यीशु मसीह है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने जीवन के अंतिम पलों में अपने शिष्यों के सामने कई रहस्य प्रकट करते हैं। यौहन का सुसमाचार अध्याय 14 अंतिम ब्यालु के बाद का अध्याय है। प्रभु यीशु ने अंतिम ब्यालु के दौरान रोटी पर आशीष पढ़ी और शिष्यों को दिया और कहा कि ये मेरा शरीर, इसे खाओ। उसी तरह दाखरस पर आशीष पढ़ी, अपने शिष्यों को देकर कहा कि ये मेरा रक्त, इसे पियो। शिष्य घबरा गए, साधारण लोग थे। इसके बाद प्रभु यीशु ने परात में जल लेकर उनके पैर धोना शुरू कर दिया। शिष्य घबराए हुए थे। इन सारी बातों के जरिए शिष्यों को एक प्रकार का भ्रम सा आ गया, वे घबराने लगे, डरने लगे, ये प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के डर, उस घबराहट को महसूस किया। उनके जीवन के अंतिम पलों की बात यह है, इसीलिए प्रभु ने कहा, आज के समाचार में आपने सुना यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 1 से प्रभु ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। ये एक वचन है जो मेरे मुँह से बार बार निकलता है जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा दिल घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में विश्वास रखो। विश्वास हमारे घबराहट को दूर करता है, भरोसा हमारे डर को दूर करता है,
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 26 में प्रभु यीशु नाव में बैठे हैं, नाव पानी से भरा जा रहा था, नाव पानी से भरी जा रही थी और शिष्य घबरा गए और शिष्यों ने प्रभु को जगाया। प्रभु ने शिष्यों से कहा, रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? विश्वास हमारे डर को दूर करता है, इसलिए हम विश्वासियों को हमेशा विश्वास के वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे शिष्यों ने प्रार्थना की लूकस अध्याय 17 वाक्य 5, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जब हमारा विश्वास घटेगा हम घबरा जाएंगे, हम डर जाएंगे, विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करना। इसके बाद प्रभु कई रहस्य अपने शिष्यों के पास सामने रखते हैं। एक रहस्य यह है, प्रभु कहते हैं कि मैं अपने पिता के यहाँ जा रहा हूँ और वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान बनाऊँगा और तुम्हें भी ले चलूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ पर तुम्हें भी होना चाहिए। प्रभु यीशु कहाँ हैं? वचन कहता है पिता के दाहिने विराजमान हैं और हमें भी वहाँ पहुँचना है। एक विश्वासी को हमेशा याद रखना चाहिए, फिलिपी अध्याय 3 वाक्य 20, पौलुस कहते हैं हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। एक विश्वासी को हमेशा ये याद रखना चाहिए, अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाकर इस संसार में जीना चाहिए, ताकि ये संसार हमारा घर नहीं है बल्कि हमारा घर स्वर्ग है। एक विश्वासी वो है जो इस संसार में रहते हुए अपनी दृष्टि को स्वर्ग की ओर लगाया हुआ है। हमारा संपूर्ण जीवन स्वर्ग के लायक होना चाहिए, हमारे कार्यकलाप स्वर्ग के लायक होना चाहिए, हमारा जीवन, हमारे प्रतिदिन का जीवन स्वर्ग के लायक होना चाहिए। हमेशा याद करना है, प्रभु यीशु ने कहा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। अगली बात प्रभु ने कहा, स्वर्ग का रास्ता तुम जानते हो? तो थॉमस ने कहा, प्रभु हम नहीं जानते। प्रभु ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ। शिष्य समझ नहीं पाए। प्रभु ने कहा, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। फिलिप ने कहा, प्रभु हमें पिता का दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। प्रभु ने कहा, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने पिता को नहीं देखा है? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। अपने जीवन के अंतिम पलों में, उस अंतिम ब्यालू के बाद प्रभु यीशु ने जीवन के बारे में, आगामी जीवन के बारे में, अपने बारे में, पिता के बारे में शिष्यों के सामने दर्शन रखा। प्रभु कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आपने यीशु पर विश्वास किया तो आपने पिता पर विश्वास किया, आपने यीशु को पाया तो आपने पिता को पाया, आपने यीशु के पाया को पाया तो आपने मार्ग पाया, आपने यीशु को पाया तो आपने जीवन पाया, आपने यीशु को पाया तो आपने सत्य पाया। आवश्यक है कि यीशु को और गहराई से ग्रहण करें, हमारे जीवन का, जैसा कि पेत्रुस ने कहा, हमारे जीवन का आधार यीशु बने। हर समय यीशु को अपनी नज़रों के सामने रखें, यीशु के अपने जीवन की नींव समझें, यीशु को अपने हृदय के अंतस्थल में जगह दें, यीशु के साथ जिएं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के अंतिम पलों में शिष्यों को ये बात समझाई कि तुम मेरे साथ रहे, मैं तुम्हारे साथ रहा, तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे सुना, तुमने मुझे अनुभव किया, तुमने वास्तव में पिता को ही अनुभव किया है। यीशु ईश्वर है, यीशु ईश्वर है। जिसने यीशु को देखा उसने ईश्वर को देखा। आज भी जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यौहन क्या कहता है? यौहन का समाचार अध्याय 1 उसके वाक्य 12 में यौहन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उनके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया। जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे, यीशु को अपनाएंगे, हमें मार्ग मिलेगा, हमें जीवन मिलेगा, हमें सत्य मिलेगा और हम ईश्वर की संतति का अधिकार प्राप्त करेंगे। बाद में आप देखेंगे शिष्यों के अंदर ये सामर्थ्य आया। अगला वचन प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मैं तुमसे कहता हूँ, क्या मुझ पर विश्वास करने वाले वे सारे कार्य करेंगे जो मैंने किया है और मैं इससे भी महान कार्य करेंगे। जो मुझ पर विश्वास करता है वो सारे कार्य करेगा जो मैंने किया है और इससे भी महान कार्य करेगा। यीशु पर विश्वास के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलता है,
अधिकार मिलता है, शक्ति मिलती है। हमेशा प्रार्थना करना, प्रभु येसु मेरी नज़रों से तू ना हटे, मैं तुझे बराबर देखूं, मेरे विश्वास का आधार तू बने, तू मेरे जीवन का आधार बन। आंखें बंद कीजिए, एक दो पल के लिए इन सारी बातों पर मनन कीजिए। येसु को अपने जीवन का आधार बनाए, येसु हमारे जीवन का केंद्र बने, येसु हमारा मार्ग बने, उस मार्ग से भटक कर कहीं और नहीं जाएंगे। येसु हमारे लिए जीवन के एकमात्र स्रोत बने, येसु हमारे लिए सत्य बने। प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए, ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा भरोसा, ताकि मैं जीवन में तेरे साथ चलूं, तेरे साथ जीऊं। प्रार्थना करें। हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए बोलेंगे, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के साथ सामने दुख समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बूस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के फिर जी उठने और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमेन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु येसु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18:19 में, पृथ्वी पर दो व्यक्ति एकमत होकर जो कुछ मांगे, मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही उन्हें वही प्रदान करेगा। तो आइए हम लोग इस समय सारी कलीसिया की ओर से, कलीसिया के लिए और सारे संसार के लिए प्रार्थना करें, अपना निवेदन प्रभु के सामने प्रकट करें। हम संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्म बंधुओं एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे कलीसिया के अगुवा होने के नाते लोगों को मुक्ति की राह पर ले सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया हर विश्वासी की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करे, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा या प्यासा ना रहे या अकेलापन महसूस नहीं करे। इस मतलब के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करे जो बीमारी, बेरोजगारी या किसी अन्य कारणों से दर्द या दुख में है, हताश या निराश है, उनके मुश्किल क्षणों में ईश्वर की दया से उनको सही रास्ता दिखाया जा सके। इस मतलब के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस मिशन बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा सहायता कर सके और येसु जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उनका अनुसरण करने में कामयाब हो सके। इस मतलब के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अपने निवेदनों को इस समय मौन होकर प्रभु के सामने रखेंगे। एक पल मौन होकर प्रार्थना करें। ये दयालु पिता, तू सारी आशीषों का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कलीसिया के नाम पर, विश्वासियों के समुदाय के नाम पर, जो जो निवेदन हमने तेरे सामने रखा है उनको ग्रहण कर, तेरे पुत्र येसु के नाम पर उन्हें पूरा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमेन। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले
अपने रूप में दे दे हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि हम लोगों के बलिदान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता का भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें। हमारी विनती स्वीकार कर अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित वेदी और बलि बनकर अपने मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हम इस बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए हम बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ इसमें भाग लें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जो
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हम अपने विश्वास के रहस्य की घोषणा करते हुए बोले, क्रिस्ट प्रभु मर गए, क्रिस्ट प्रभु जी उठे, क्रिस्ट प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन योसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हें के साथ और इन्हें में, ए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वर का सच्चा ज्ञान मिला है। आइए हम सभी अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर यीशु की बताई हुई, सिखाई हुई इस महान प्रार्थना को दोहराएं और ईश्वर को अपना अब्बा पिता कहकर पुकारें।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। ए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, अपने शिष्यों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि हमारे दुर्बल विश्वास पर और कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, और हम सबको अपनी शांति प्रदान कर, हमारे पड़ोसियों को अपनी शांति प्रदान कर, हमारे परिवारों को शांति दें, हमारे देश और सारे विश्व को शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह है परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता। प्रभु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम सभी धन्य हैं जो प्रभु के इस पवित्र भोज में भाग लेने के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू मेरे यहाँ शब्द कह दे, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करें, आमीन। दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ, भक्ति भरे हृदय से मैं पूजू तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही सदा। पापों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर मेहमान बन, पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा ना तुझ सा तुझा सजन। तू दिल में है प्रभु मधुर, यही दुआ, भक्ति भरे हृदय से मैं पूजू तुझे सदा। हम इस पवित्र समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद रखें, अपने हृदय में निवास करने वाले यीशु की समय आराधना कीजिए। यीशु हमारे घरों में आए हैं, हमारे हृदयों में आए हैं, हमारे जीवन में आए हैं। यीशु को इस समय अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। जहां यीशु आते हैं वहां पे मुक्ति आती है। जकेउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर में स्वागत किया, और यीशु ने घर में प्रवेश कर घोषित किया आज इस घर में मुक्ति आई है। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र शरीर और रक्त की योग्यता से हम इस समय मांगते हैं, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से हमें छुटकारा दीजिए।
तेरे पवित्र शरीर और रक्त के इस महान बलिदान में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को समय आशीर्वाद दीजिए। तेरे पवित्र शरीर और रक्त की योग्यता से, तेरे पवित्र बलिदान की योग्यता से अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दीजिए। हर प्रकार की बुरी आदत से छुटकारा दीजिए, नशे की आदत से छुटकारा दीजिए, अश्लीलता की आदत से छुटकारा दीजिए, हर प्रकार के गंदे रिश्ते से छुटकारा दीजिए। तेरे पवित्र शरीर और रक्त की योग्यता से, तेरे पवित्र बलिदान की योग्यता से इसी वक्त हर तरह के रोग से समय छुटकारा दीजिए। इस बलिदान में भाग लेने वाले भाई बहनों को अंधकार की शक्तियों, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, गंभीर से गंभीर रोगों से पुराने रोगों से इसी वक्त छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। लेट देयर बी माइटी हीलिंग राइट नाउ जीसस। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम पर इसी वक्त चंगाई मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है, ऐसी वर्दी, ऐसी कृपा दे कि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। एक छोटी सी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि अब से हर रविवार को आपको मिस्सा बलिदान मिलेगा मातृधाम आश्रम से। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से, आज रविवार है, दोपहर को 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मातृधाम आश्रम का सत्संग प्रसारित किया जाएगा यूट्यूब में। प्रवचन, स्तुति आराधना, आराधना और चंगाई प्रार्थना। आप अन्य लोगों को भी बताएं, आज से दोपहर को 12 बजे से 2:30 बजे तक सत्संग चलेगा, स्तुति, गीत, दो प्रवचन, आराधना और चंगाई प्रार्थना। आपका हार्दिक स्वागत है। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे कर दिया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं।